हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम एरिथमेटिक पाइपलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। एरिथमेटिक पाइपलाइन क्या होता है? एरिथमेटिक पाइपलाइन समझने से पहले हम थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं पाइपलाइन यानी क्या। ऑलरेडी आप अगर मेरे यूट्यूब के पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें आपको पाइपलाइन के बारे में पता चल जाएगा। बट समझने के लिए, पाइपलाइन का मतलब ये होता है जब आपके पास एक बड़ा सा ऑपरेशन हो, बड़ा सा आपका एग्जीक्यूशन काम हो, अगर उसको आप सब ऑपरेशंस में डिवाइड कर देते, सब टास्क में डिवाइड कर देते और हर सब टास्क एक सेगमेंट को एसोसिएट कर देते और हर सेगमेंट अपना खुद का काम पैरेलल में जब काम करेगा तो वो प्रोसेस को आप बोलेंगे पाइपलाइनिंग। इज इट क्लियर? ओके, अब देखते हैं एरिथमेटिक पाइपलाइन यानी क्या। एरिथमेटिक पाइपलाइन कहाँ यूज़ होता है? एरिथमेटिक पाइपलाइन जहाँ आपको बहुत क्विकली एग्जीक्यूशन करना है, और ये क्विक एग्जीक्यूशन कहाँ होगा? आपके हाई स्पीड कंप्यूटर्स में। इसलिए बेसिकली आपका एरिथमेटिक पाइपलाइन कंसेप्ट कहाँ? हाई स्पीड कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? जैसे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस आपको करने हैं, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिक्स पॉइंट नंबर्स करने हैं, या इसी तरह की से कोई दूसरे प्रॉब्लम्स पर अगर काम करना है तो आप एरिथमेटिक पाइपलाइन कंसेप्ट को समझेंगे। क्लियर है? एक आगे एग्जाम्पल आएगा, वो एग्जाम्पल आपको एरिथमेटिक पाइपलाइन पूरी तरह अच्छी तरह समझा देगा। और लास्ट में एक एग्जाम्पल से भी देखेंगे, अगर एरिथमेटिक पाइपलाइन कंसेप्ट से आप यूज़ करते हो तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम कितना जा रहा है, और अगर आप नॉर्मल नॉन पाइपलाइनिंग कंसेप्ट जाते हो तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम कितना जाता है। अभी हमारा लेक्चर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पे फोकस्ड रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, आप देख सकते हो मैंने राइट हैंड साइड पे एक फ्लोचार्ट ड्रॉ किया हुआ है, वो एरिथमेटिक पाइपलाइन का है। जहाँ आपको शेडेड मीन्स येलो पोर्शन मिलेगा वो प्रोसेस अभी हम कर रहे हैं। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने दो नंबर यूज़ किए, दैट इज़ एक्स इज इक्वल्स टू 0.9232 इंटू 10^4 एंड वाई इज इक्वल्स टू 0.9444 इंटू 10^3। बिकॉज मैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज़ किए। सबसे पहला काम ये होगा, आपके जो ये दो वैल्यूज़ दी गई है उसमें से आप मेंटिसा और एक्सपोनेंट को सेग्रीगेट करेंगे। एक्सपोनेंट किसे बोलते हैं? जो 10^10 में अवेलेबल है। मेंटिसा कौन सा? जो आपका 0.9232 या 0.9554, ये आपका मेंटिसा है। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बोला है आपको, एक्सपोनेंट कहाँ पे स्टोर करेंगे? स्मॉल ए और स्मॉल बी, और आपका कैपिटल ए कैपिटल बी किसे स्टोर करेगा? मेंटिसा। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने स्मॉल ए क्या लिया? 4। क्यों? बिकॉज मेरा एक्स के अंदर 0.9232 इंटू 10^4 है, तो यहाँ पे 4 वो मेरा क्या बनेगा? एक्सपोनेंट बनेगा, जिसे स्मॉल ए दिया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 10^3 है, ये स्मॉल बी को मिलेगा। 0.9232 ये मेंटिसा है, ये ए को मिलेगा। 0.9554 ये भी मेंटिसा है, ये बी को मिलेगा। आई होप सो ये स्टेप आपको क्लियर है। ठीक, अब ये मेरे प्रोसेस को मैं सेगमेंट में कन्वर्ट करूँगा। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? हर एक सेगमेंट एक डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म करेगा, और बाद में ये हर सेगमेंट पैरेलल में काम करेंगे। इज इट क्लियर? सेगमेंट वन का काम क्या है? सेगमेंट वन में क्या होगा? कंपेयर द एक्सपोनेंट्स। क्यों ये काम करना है? अगर आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो सबसे पहला पर्पस ये होता है कि दोनों के एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए। अगर एक्सपोनेंट सेम नहीं है तो सेम बनाने पड़ेंगे। सेम कैसे बनाएंगे? सेम बनाने के लिए आप कंपैरिजन कंसेप्ट यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो ए इज इक्वल्स टू 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 3 है। मतलब मुझे कंपैरिजन से एक ऑप्शन ये है, ये बी को 3 बना दो, ये जो बी 3 है इसे 4 बना दो, या ए 4 है उसे 3 बना दो। बेहतर यही रहेगा कि अब ये b इज इक्वल्स टू 3 है उसे 4 बना दो। मतलब क्या कि मुझे 4 बनाना पड़ेगा, राइट शिफ्ट ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा। कंपैरिजन के बाद a माइनस बी किया। कंपैरिजन कैसे यूज़ करेंगे? सब्ट्रैक्शन या कंपैरेटर, जो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में समझ के आए हो, वो कॉम्बिनेशन सर्किट यहाँ पर यूज़ होगी। इसलिए a माइनस बी की वैल्यू आपको क्या मिलती है? 1। इससे क्या होगा? एज a माइनस बी वैल्यू इज़ पॉजिटिव, वी विल प्रोसीड विद राइट शिफ्ट टू अलाइन द मेंटिसा इन द नेक्स्ट सेगमेंट। जो ये a माइनस बी इक्वल्स टू 1 मिला, मतलब जिसका पावर कम था, जिसका एक्सपोनेंट कम था, वो मेंटिसा आपको आपको राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। बट ये कौन से स्टेप में होगा? सेगमेंट 2 में होगा। सेगमेंट 1 तो सिर्फ गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करेगा। इज इट क्लियर? और सेगमेंट 2 में साथ में ये भी फाइनलाइज करना है, आप किसे फाइनल एक्सपोनेंट मानते हो। इसीलिए आप देख सकते हो कि मैंने किसको मानना है, दैट इज 4 विल बी सिलेक्टेड एज योर एक्सपोनेंट। इज इट क्लियर? मतलब सेगमेंट 1 के अंदर क्या हुआ आपका काम?
कंपैरिजन हुआ किसका, एक्सपोनेंट्स का, वो बेसिस पे हम स्टेप टू में क्या करने वाले, वो प्रोसेस भी फाइनलाइज हो चुका है। अब आते हैं वो स्टेप टू में, आप देख सकते हो स्टेप टू में क्या बोला है, चूज एक्सपोनेंट, जो हमने ऑलरेडी क्या करने वाले हैं वो ऐसा स्टेप वन में आपको समझा दिया था। मतलब मैंने एक्सपोनेंट क्या चूज़ किया है, एक्सपोनेंट मैंने फोर चूज़ किया है, और अलाइनमेंट इसे राइट शिफ्ट करना है, किसे करना है, जो आपका लोअर एक्सपोनेंट से एसोसिएटेड मेंटिसा था। अब आपको याद होगा कि आपके पास क्या था, वाई इज इक्वल टू 0.9554 इंटू 10^3, यहाँ पर आपका एक्सपोनेंट छोटा है, यहाँ पर तो एक्सपोनेंट 4 है, मतलब यहाँ कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप यहाँ क्या करेंगे, राइट ऑपरेशन, राइट शिफ्ट यूज़ करेंगे, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा 0.09554 इंटू 10^4। आप देख सकते हो पावर बढ़ गया। अब आपके पास क्या था, पॉइंट के बाद आप सिर्फ 4 डिजिट यूज़ कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर राउंड ऑफ क्या कर रहा हूँ, 0.0955 इंटू 10^4। इज इट क्लियर? पहले स्टेप में क्या किया आपने, कंपेरिजन यूज़ किया किसका, एक्सपोनेंट्स का, और वो भी जिस पे स्टेप टू में क्या करने वाले वो फाइनलाइज किया। क्लियर? मतलब स्टेप टू तक आपको जो काम करना था, आपके दोनों इक्वेशन मीन्स एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू है वो और वाई इज इक्वल टू वो दोनों सेम फॉर्मेट में आ चुके। अब स्टेप थ्री क्या होगा, आइदर एडिशन करना है बिकॉज फ्लोटिंग पॉइंट में आप एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसीलिए स्टेप थ्री क्या बोल रहा है, एड और सब्ट्रैक्ट द मेंटिसा। इज इट क्लियर? मतलब मेरे पास ये दो वैल्यू है 0.9232 इंटू 10^4 एंड 0.0955 इंटू 10^4। अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो ये मिल जाएगा, इज इट क्लियर, और सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा, इज इट क्लियर। अब मेन ऑप्शन आप देख सकते हो एडिशन के अंदर 1.0187 जी नहीं, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज आपका मेंटिसा कौन सा फॉर्मेट में होता है, 0. something, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब इसे भी कुछ आपको अलाइन करना पड़ेगा, और ये काम का होगा सेगमेंट 4 मतलब स्टेप 4 में होगा, इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर क्या किया, एडजस्ट जो हम स्टेप 4 में काम करेंगे, नॉर्मलाइज द रिजल्ट। क्यों, यहाँ पे आपको रिजल्ट को नॉर्मलाइज करना है, जो आपका एडिशन वाला था 0.0187 इंटू 10^4, उसको नॉर्मलाइज करने के बाद क्या मिला आपको, 0.10187 इंटू 10^5, बिकॉज आपको राइट शिफ्ट करना है। क्यों राइट शिफ्ट करना है, बिकॉज आपका मेंटिसा का फॉर्मेट 0. होना चाहिए, इज इट क्लियर। और अगर आप सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट को देखें तो वहाँ पे फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर कोई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे, इज इट क्लियर। फाइन, एक और बात, अब यहाँ बीच बीच में आप आर वैल्यू देख रहे हो, ये जो आर है ये मीडिएटर रजिस्टर है, इंटरफेस रजिस्टर है, उसमें वैल्यू आपकी स्टोर करेंगे। क्यों, बिकॉज सेगमेंट 1 काम करके सेगमेंट 2 में जाएगा, तो सेगमेंट तभी सेगमेंट 2 में वो फर्स्ट टास्क तो होगा, हो ही रहा होगा, बट आपका सेगमेंट 1 में टास्क नंबर 2 आएगा, तो उसे मीडिएटर बन के कोई जगह सेव करना है, इसीलिए आप इंटरफेस रजिस्टर को यूज़ करते हो, इज इट क्लियर। फाइन, अब हम एग्जांपल से देखते हैं कि इसे कैसा किया जाता है। एग्जांपल से पहले एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ही द कंपैरेटर कहाँ पे यूज़ किया था आपने, कंपैरेटर सेगमेंट 1 में यूज़ किया था, शिफ्टर कहाँ यूज़ किया था आपने, सेगमेंट 2 में यूज़ किया था, एडर सब्ट्रैक्टर इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर कहाँ यूज़ किया था आपने, सेगमेंट 3 में यूज़ किया था, सेगमेंट 4 में फिर से आपने शिफ्टर यूज़ किया था, ये सब आपके एज अ कॉम्बिनेशन सर्किट हो गए, इज इट क्लियर। मतलब ये जो आपको फ्लो डायग्राम बताया है, हर सेगमेंट में एक कॉम्बिनेशन सर्किट अपने डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल होगी, इज इट क्लियर। ओके फाइन, अब हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया है जो टाइम डिले 4 सेगमेंट्स, हमारे एरिथमेटिक के अंदर भी 4 सेगमेंट था, उसमें T1 का कितना दिया 60 नैनो सेकेंड, T2 70 नैनो सेकेंड, T3 100 नैनो सेकेंड, T4 80 नैनो सेकेंड, और आपका जो इंटरफेस रजिस्टर है उसका डिले कितना है 10 नैनो सेकेंड। क्लियर? अगर मैं विदाउट पाइपलाइनिंग कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, मतलब हर सेगमेंट में जाके काम होगा, मतलब आपको 60 नैनो सेकेंड प्लस 70 नैनो सेकेंड प्लस 100 नैनो सेकेंड प्लस 80 नैनो सेकेंड प्लस जो इंटरफेस वाला, ये सब को ऐड करेंगे आपको इतना मिलेगा, 320 नैनो सेकेंड मिल जाएगा। बट अगर पाइपलाइनिंग कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो आपको क्या करना है, ये जो टी में जो आपका सबसे मैक्सिमम है उसे आप यूज़ करेंगे। क्यों? बिकॉज वो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ, वो आप यूज़ करेंगे, और वो क्या वैल्यू है, दैट इज़ 100 प्लस जो इंटरफेस की वैल्यू है, दैट इज़ 100, इसलिए आपको क्या मिला, दैट इज़ 110 नैनो सेकेंड। आओ यही सीरस यही एग्जांपल को पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं जी।
यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मैंने सेगमेंट्स दिए, आपके पास चार सेगमेंट्स हैं और ये आपके पास टाइमिंग साइकिल्स हैं। अभी फ़िलहाल मैंने 9 तक मेंशन किए, ये इसकी साइकिल एन नंबर्स तक जा सकती है। इज़ इट क्लियर? फाइन। अब आपको ध्यान होगा, आपका पहला जो टाइमिंग T1 सेगमेंट कितना था, 60 नैनो सेकेंड, याद होगा, याद रखना 60 नैनो सेकेंड, 70, 100 एंड 80 नैनो सेकेंड। मतलब जब आपका टास्क वन आएगा, वो पहले सेगमेंट में अपने आप को लेके जाएगा, तब वो काम क्या करेगा, डेडी 60 नैनो सेकेंड। मतलब वो टाइमिंग साइकिल टाइमिंग स्लॉट वन में क्या होगा, आपका सिर्फ यही काम होगा। सेगमेंट टू, सेगमेंट थ्री, सेगमेंट फोर तो आइडियल है, तभी उसको कुछ नहीं मिला। इज इट क्लियर? ओके। अब जब आपका टाइमिंग स्लॉट टू आएगा, तब क्या होगा, आपका सेगमेंट वन प्रोसेस होके अपने आप को सेगमेंट टू में ले जा चुका है, मतलब यहाँ पहुँचेगा। इसलिए सेगमेंट टू में वो कितना लेता है, 70 नैनो सेकेंड। बट तभी टास्क नंबर टू, जो फ्रेश नया टास्क है, वो सेगमेंट वन में आया होगा, तो उसको कितना होगा, दैट इज 60 नैनो सेकेंड। हर टास्क को मैंने अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया, इज इट क्लियर? बट यही जब आप टाइमिंग स्लॉट टू करेंगे, तब सेगमेंट थ्री, सेगमेंट फोर आइडियल रहेंगे। अब आ जाते हम सेगमेंट टाइमिंग स्लॉट थ्री में। टाइमिंग स्लॉट थ्री में क्या होगा, जो 70 नैनो सेकेंड वाला था वो सेगमेंट टू में था, वो अब अपने आप को सेगमेंट थ्री में ले जा चुका है। वही मीन टाइम में 60 नैनो सेकेंड जो सेगमेंट वन में था, वो अपने आप को अब सेगमेंट टू में लेके जा चुका है। और थर्ड टास्क नया आया है, उसका आपको देखने मिलेगा, दैट इज सेगमेंट वन में। हर सेगमेंट के डेडिकेटेड टाइमिंग स्लॉट अवेलेबल। आपको याद होगा टाइमिंग स्लॉट थर्ड सेगमेंट में कितना था, दैट इज 100 नैनो सेकेंड। इसलिए आप देख सकते हो यहाँ 100 नैनो सेकेंड में था। यहाँ पर सेगमेंट में, सेकेंड में कितना था, 70 नैनो सेकेंड, फर्स्ट में कितना है, 60 नैनो सेकेंड। इज इट क्लियर? फाइन। अब और आगे, बट ये टाइम पे भी आपका सेगमेंट फोर तो आइडियल है। अब और जब टाइमिंग स्लॉट फोर आएगा, तब आपका जो ये 100 नैनो सेकेंड वाला जो सेगमेंट थ्री में टास्क नंबर वन था, वो अब सेगमेंट फोर में, मतलब फाइनल स्टेज में पहुँचेगा। आपका जो टास्क नंबर टू था, वो अब सेगमेंट थ्री में पहुँचेगा। जो आपका टास्क नंबर थ्री था, वो अब सेगमेंट टू में पहुँचेगा, और आपका टास्क नंबर फोर फ्रेश अवेलेबल रहेगा। इज इट क्लियर? फाइन। मतलब अब ये जो रेड लाइन देखने मिल रही है आपको, ये क्या डिफाइन कर रही है, टास्क वन रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, आपका टास्क टू रिप्रेजेंट कर रही है। इज इट क्लियर? फाइन। आपका पहला टास्क कब कंप्लीट होकर बाहर निकलेगा, फोर्थ स्लॉट में। फोर्थ स्लॉट में निकलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, आपका फोर्थ स्लॉट में ये सेगमेंट वन, सेगमेंट टू, सेगमेंट थ्री, सेगमेंट फोर पैरेलल में काम कर रहा है। मतलब समझो ये सेगमेंट वन है, ये सेगमेंट टू है, ये सेगमेंट थ्री है, ये सेगमेंट फोर है। और समझिए आप अभी टाइमिंग स्लॉट फोर में हो, मतलब ये कितना टाइम लेगा, 60 नैनो सेकेंड, ये कितना लेगा, 70 लेगा, ये कितना लेगा, 100, ये कितना लेगा, 80। बट बिकॉज आप पैरेलल में काम कर रहे हो, तो इसमें जितना मैक्सिमम होगा वही वैल्यू होगी। मतलब सेगमेंट जो आपका टास्क जो टाइमिंग स्लॉट फोर है, वो कब कंप्लीट होगा, 100 नैनो सेकेंड में। आपका टाइमिंग स्लॉट फाइव है, वो भी 100 नैनो सेकेंड में। आपका टाइमिंग स्लॉट सिक्स है, वो भी 100 नैनो सेकेंड में। टाइमिंग स्लॉट सेवन है, वो भी 100 नैनो सेकेंड में। कहने का मतलब ये हुआ, टाइमिंग स्लॉट फोर होगा तब आपका पहला टास्क बाहर आएगा, यहाँ पे सेकेंड टास्क आपका फ्री होगा, यहाँ पे आपका थर्ड टास्क फ्री होगा, यहाँ पे आपका फोर्थ टास्क फ्री होगा, यहाँ पे आपका फिफ्थ टास्क फ्री होगा, यहाँ पे आपका सिक्स्थ टास्क फ्री होगा, एंड सो ऑन। मतलब ये हुआ कि अगर आप टाइमिंग स्लॉट फोर के बाद देखने की कोशिश करें, तो हर टास्क को कंप्लीट होते कितना देर लगता है, 100 नैनो सेकेंड। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखने में आया था, 100 नैनो सेकेंड प्लस 10 क्या है, दैट इज़ रजिस्टर इंटरफेस। वो तो आप बीच में इंटरमीडिएट रजिस्टर को जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हो, वो आपने यहाँ पे ऐड कर लिया। इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, दैट इज़ 110 नैनो सेकेंड। मैं फिर से रिकॉल करूँ, अगर आप विदाउट पाइपलाइनिंग कंसेप्ट जा रहे हो तो 320 नैनो सेकेंड जाएंगे, और अगर पाइपलाइन कंसेप्ट से जा रहे हो तो 110 नैनो सेकेंड जाएंगे। अब याद होगा आपको स्पीडअप की फार्मूला, स्पीडअप में क्या फार्मूला थी, दैट इज़ नॉन पाइपलाइनिंग कंसेप्ट ओवर पाइपलाइनिंग कंसेप्ट। नॉन पाइपलाइनिंग कंसेप्ट कितना है आपका, 320 ओवर कितना मिलेगा, 320 ओवर 110। इज इट क्लियर? ये आपको स्पीडअप मिलेगा, मतलब स्पीडअप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 320 नैनो सेकेंड ओवर 110 नैनो सेकेंड। जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको मिलेगा 32 ओवर 11, जिसका आंसर आपको 2.99 के आसपास मिलेगा। इज इट क्लियर? फाइन। ओके। यही बेसिस पे आपने देखा कि हम एरिथमेटिक पाइपलाइन को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। इज इट क्लियर? आपको कोई कमेंट्स या क्वेश्चनरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और लेक्चर को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।